लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। किसी को नहीं बख्शता, चाहे कोई बुरा आदमी हो या कोई भला आदमी हो, क्योंकि समय दिखाने वाली घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। क्लिनिकल एंगर स्केल एक ऑब्जेक्टिव वैलिड सेल्फ रिपोर्ट है जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को मापता है ताकि उसकी मदद से क्लिनिकल एंगर की ट्रीटमेंट के साथ जोड़कर उसे समझा जाए। इस ग्रुप ऑफ आइटम में लिखा गया है, बेक के पहले के इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मेट से क्लिनिकल एंगर स्केल डिजाइन किया गया है, जिसे AHA मीटर भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एंगर हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन मीटर। बुखार आने पर इंसान के शरीर का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इंसान के गुस्से, डिप्रेशन और दर्द को मापने के लिए AHA मीटर का इस्तेमाल किया जाता है दिमाग और उसके स्टेम का इस्तेमाल करके। ये है AHA मीटर का फाइनल डिजाइन और इसका माप 0 to 100 के बीच में होता है। अगर ये 0 to 25 है तो नॉर्मल ग्रीन रेंज है, 25 to 50 मतलब एवरेज येलो रेंज, और 50 to 100 के बीच के रेंज को कंसिडर करते हैं एबनॉर्मल रेड रेंज। साइलेंस! पागल हो गए हो क्या? कॉलेज आते ही क्यों हो? जानवरों की तरह बर्ताव करते हो, रास्ते पर खड़े आवारा लोग हो क्या? तुम लोगों को पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना चाहिए, घर में रहकर बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा करो। तुम लोग पढ़ने के लायक ही नहीं हो, लोफर कहीं के। मुझे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? एक एक को डस्टर फेंक कर मारूंगी। अरे रमेश, पिछले महीने की पेंशन नहीं आई। मैं भी परेशान हूँ भाई, आधार कार्ड लिंक करना होगा। हाय। अरे साहब बोलो ना, 100 रुपए से कम नहीं होगा। यहाँ से स्टेशन जाने का 100 रुपए मांग रहा है, पागल है क्या? दे दीजिए। अरे साहब 100 रुपए ही होता है, किसी से पूछ के देख लो आप। हिंदुस्तान घूम लूंगा और यहाँ का 100 रुपया रहने दीजिए, दे दीजिए ना। तुम्हें क्या लगता है मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ? बकवास कर रहा है। सुनिए ना, दे दीजिए। कोई और ऑटो कर रहा है, मेरा वाला नहीं चलना, ये बताओ कितने पैसे लगेंगे। चलना तो बोलो साहब, पैसे और टाइम थोड़ी कर रहा है, नहीं आता कहीं और पूछते चले। दिमाग खराब है इसका। देख मैंने बोला था ना, हर एक बॉल पर विकेट निकालूंगा। चल चल चल, आने दे। अरे वो तेंदुलकर तो मैं जहीर खान, आने दे। और देख, क्रिकेट में इस एरिया के हम नंबर 1 टीम है, हमारे आगे कोई नहीं टिक सकता। ये yeah! 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 yeah!
काल के असर की वजह से इस संसार में क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध में आकर हर कोई आक्रमण करके अपना बल दिखाता है। मॉर्निंग सर, आइए अंदर आइए। प्लीज हैव योर सीट सर। थैंक यू। टेल मी सर। मैं घोर पड़े हूँ, यस बैंक का जनरल मैनेजर। इस होटल को सीज करने के लिए मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। तुम्हारे होटल की रेपुटेशन खराब ना हो, इसलिए मैं पुलिस को लेकर नहीं आया। ये सब अचानक से कैसे? अचानक नहीं है मैडम, तुम्हारे होटल ने 40 करोड़ का कर्जा लिया था। अब हमारे नोटिस का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट भर देते हैं। EMI कभी भरा ही नहीं। तुम्हारे बॉस की हम बहुत इज्जत करते हैं, पर हमारे बॉस को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारे पास एक सलूशन है। तुम्हारी होटल की रेपुटेशन को देखते हुए मॉरिशस ग्रुप ऑफ होटल्स इस होटल को खरीदने के लिए तैयार है, वो भी 140 करोड़ में। इस ग्रुप के MD मिस्टर विक्रम से हमने बात कर ली है। तुम चाहो तो अपने MD से बात कर सकती हो। सर वो इस बात के लिए नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे मतलब इस होटल को नीलामी कर देते हैं। हाँ सही कहा। प्लीज सर, वन सेकंड प्लीज। प्लीज कॉल हिम। क्या हुआ भाई, लड़की पसंद आ गई? मस्त है एकदम। सॉरी सर। जिस काम के लिए आए हो वही करो। ओके सर। हेलो, नटराज बोल रहा हूँ। सर मलिका बात कर रही हूँ, बैंक वाले सीज ऑर्डर के साथ आए हैं। सीज ऑर्डर के साथ आए हैं? जी सर। ऐसे कैसे आ सकते हैं, उन्हें फोन दो। देती हूँ सर। मिस्टर घोर पड़े। जी सर बोलिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मोहलत खत्म हो गई सर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो पहला होटल है। जी मैं जानता हूँ। उस होटल को मैंने अपने बच्चे के जैसा बड़ा किया है। मुझे अच्छे से पता है सर। वो हमेशा मेरा ही रहेगा। 140 करोड़ दे रहे। मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भागूंगा नहीं। सर ऐसा नहीं है। मेरे बारे में नहीं तो मेरे होटल में काम करने वालों के बारे में सोचो। अगर होटल बेच दिया तो उनका क्या होगा?
ऊटी में जो मेरी प्रॉपर्टी है उसकी डील हो गई है। मुझे दो दिन दो, मैं सारे पैसे चुका दूंगा। ओके, मैं अपने बॉस से बात करके और दो दिन का वक्त ले लेता हूँ। अगर आप लोन चुका ही रहे हो तो आपको यहाँ आकर पेपर्स पर साइन करना पड़ेगा, और अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं खुद वहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। पार्वती, 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 आती हूँ, आती हूँ। नारायण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। क्या हुआ जी? हमें मैंगलोर के होटल में जाना है, वो भी कल ही। बैंक वालों का फोन था। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए जी। आप नहाने गए थे ना, तभी ऊटी के मैनेजर का कॉल आया था। हमारी ऊटी की प्रॉपर्टी बिक चुकी है। सच में? कल सुबह ही सारे पैसे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके मैंगलोर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सच में? तुमने बहुत अच्छी खबर दी पार्वती। आरती लीजिए। आप भी ना हमेशा दूसरों की मदद के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं, इस सब की क्या जरूरत है? ये सब छोड़कर आराम से नहीं रह सकते? उम्र हो गई है, ये भी याद नहीं आपको? ये सच है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, तुम मुझे अभी भी 16 साल की दिखती हो। 16 साल की? हाँ। मुझे तो लगा था 14 साल बोलेंगे। पार्वती, अगर उम्र को साइड में रखें तो आज भी लड़कियों की तरह शर्माती हो। क्योंकि शर्माना औरत का हक है। हेलो, हे, हाय हनी। हे बेबी, डिड यू रीच? हाँ, बस अभी पहुंचा। अचानक से इंडिया कैसे आना हुआ? काम से मैंगलोर आना पड़ा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक होटल खरीदने वाला हूँ। हाँ, याद है। बस बैंक ने बुलाया है। इस होटल की डील अगर फाइनल हो गई तो हमारा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आसमान छुएगा। अमेजिंग। और एक बार ये डील हो गई ना तो सारे बिजनेस प्रेशर खत्म, उसके बाद हम फॉरेन में सेटल हो जाएंगे। देखो, तुम एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, अगर तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी है तो तुम भाड़ में जाओ। बेवकूफ औरत। अरे बेटा,
तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा। और आप? अंदर आ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल भी नहीं। ये सच में अच्छी प्रॉपर्टी है, इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। मेरे लिए कुछ आया था क्या? हाँ, वो yatra.com से ये कुरियर आया था। क्या है? मैंगलोर होटल में एक हफ्ते के लिए फ्री स्टे दे रहे हैं। वो भी फैमिली के साथ। सारा खर्चा वो लोग ही उठाएंगे। तो फिर मुझे वहाँ जाना है। गर्मियों की छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, दशहरे की छुट्टी में भेज रहे हैं। उन लोग का जब मन करेगा दे देंगे और तुम ले लोगी? बोल रहे हैं फ्री है। क्या फ्री है? मुझसे ये पैसे एडवांस में लिए। फिर से शुरू हो गए। वो लोग फ्री में ले जाने के लिए डील दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी फ्री नहीं हूँ। तो फिर जाना है कि नहीं? जाएंगे जाएंगे, कल जाएंगे। ए, पढ़ाई पर ध्यान दो, दांत तोड़ दूंगा। पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं है। पार्वती, घर का ध्यान अच्छे से रखना। पार्वती आई जी, आई 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 आई। आराम से चलो, आराम से। देर भी हो गई तो फिक्र नहीं, देर से पहुंचे भी तो कोई जुर्माना नहीं भरना होगा। मैंने शादी करने में देरी की, तभी तो तुम जैसी बीवी मिली। बातें करना कोई आपसे सीखे, इसीलिए आपके पिताजी ने आपका नाम नटराज रखा है। चले गाड़ी में बैठिए। ड्राइवर मुरली कहाँ गया? उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए छुट्टी पर है। हे भगवान, तो फ्लाइट बुक कर सकते थे ना आप? टेक्निकल इशू की वजह से मैंगलोर एयरपोर्ट बंद है, पता नहीं चालू होने में कितना टाइम लगेगा। ये सब भी अभी होना था। तो चले फिर। ठीक है, फिर कार आप ही चलाइए, ज्यादा स्पीड में नहीं। ठीक है पार्वती, मैं वैसे भी धीरे ही चलाता। मोहन दरवाजा बंद कर लो। ठीक है मालकिन। ये कैसी आवाज थी? लगता है किसी ने गाड़ी ठोक दी। मैं देखता हूँ। अरे ये बुड्ढे पागल हो गया है, अचानक से ऐसे कोई ब्रेक लगाता है क्या? तुम खुद आकर मेरी गाड़ी से टकरा है। मेरी गाड़ी तो यहीं खड़ी थी। इस उम्र में गाड़ी चलाता ही क्यों है? चुपचाप घर में बैठना चाहिए ना। देख बुड्ढे, तेरी वजह से मेरा मडगार्ड टूट गया। हे कॉलर, पैसा कौन भरेगा? बोल, चल निकाल पैसे। कॉलर को पकड़ रहे हो। मेरे पैर पकड़ो, मेरे पैसे निकाल। हाथ काट के रख दूंगी।
बुजुर्ग इंसान पर हाथ उठाता है, एक चमाट मारूंगी। गलती किसकी है? तूने आकर ठोका ना। इडियट, इसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर हाथ उठाने की? समझता क्या है ये खुद को? चिंता तो घर में रखा करो ना। कंप्लेन करती हूँ तेरी आज पुलिस में। चल, देखता क्या है, पुलिस को बुलाऊंगी। चलो चलो, आओ, गुस्सा मत करो। ए, चलो चलो, हद मेरे है अपनी। गुस्सा थूक दो और गाड़ी में बैठो। अरे वो समझ गया, तुम बैठो, जाओ गाड़ी में बैठो। तुम बैठो, मैं बात करता हूँ। देखो बेटा, इंसान के दिमाग में अगर बदला, गुस्सा एक बार जब घुस जाता है ना, तो साक्षात भगवान भी वहां से तुम्हारी बुद्धि को चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते हैं। वो सब छोड़ो, ये पैसे रखो, गलती मेरी ही थी। ये लो पकड़ो, ये पैसे रखो और एक काम करना, पहले बाइक रिपेयर करवाओ, फिर जाकर किसी डॉक्टर को दिखा देना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए था, अच्छा सबक सिखाती उसे मैं। खुद की गलती होकर भी आप पर चिल्ला रहा था। पार्वती, इंसान को बचपन में बोलने के लिए 2 साल लगते हैं, पर कहां क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, वो सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। बेचारा वो अभी तक यही सीख रहा है कि कैसे बोलना है। अब जाने भी दो पार्वती। कैसे जाने दो, कितना बदतमीज आदमी था आपने देखा नहीं? वो बदतमीज नहीं था, बल्कि उसकी उम्र थी बदतमीजी करने की। ए, गाड़ी साफ हो गई, अब निकल। तुम्हारी माँ कहाँ है? मम्मी तो अभी तैयार हो रही है पापा। इतना टाइम लगता है क्या तैयार होने में? ए, सीता। हाँ, आ रही हूँ। बाहर आओ जल्दी। आई। तुम लोग बैठो। आई। चलो जल्दी बैठो। दीदी अंदर बैठो ना। तैयार तो ऐसे हो रही थी जैसे शादी में जाना है। हाँ। अंदर बैठो। बैठ गई। दरवाजा बंद कर, बंद कर। क्या लफन ये लोग हैं, सिग्नल तोड़कर जा रहे हैं। पेपर पेपर पेपर, सर पेपर ले लो, पेपर खुद को पढ़ना आता नहीं है, पेपर बेच रहा है। पेपर पेपर, अरे ठीक है बेटा, मत रो। मेरे बच्चे को ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है, कहीं नजर ना लगा दे। ए, दिखाई नहीं देता क्या? अरे बाप रे, अंधा हो गया क्या तू? गाड़ी से बाहर निकल, अभी दिखाता हूँ तुझे। आप कहाँ जा रहे हो? सामने से टक्कर मारता है, सिग्नल तोड़ रहा है, दिमाग तो तेरा खराब है। सिग्नल बंद है, दिखाई नहीं देता। अरे ऊपर से मुझ पर चिल्ला रहा है। अरे तुझे लाइसेंस किसने दिया अंधा कहीं का? एक कान के नीचे दूंगा, अपनी खटारा उठा, निकल यहाँ से। देखो क्या कर रहा है, वीडियो निकाल रहा है। देखो वीडियो निकाला कि नहीं कर रहा है, कैरेक्टर बन रहा है, शूटिंग चल रही है क्या यहाँ जो तू वीडियो निकाल रहा है? मेरी स्कूटर तोड़ दिया, निकल यहाँ से। जाता या पब्लिक के सामने मारूं तुझे? अभी मैं मर जाता तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करूंगा, तुझ पर चढ़ा दूंगा। हाँ पता है तू पैसे वाला आदमी है। हाँ, इसका मतलब क्या, ये गरीब आदमी को जान से मार देगा? देखो, देखो, तुझे क्या देखो, लगता है कि सारी गलती मैंने की है तो मतलब? हम दोनों पे गाड़ी चढ़ा दूंगा ज्यादा बोले तो। क्या है तुम लोगों का नाटक? अरे इसे ले जाओ, इस गंजे को, इसको जाकर बंद करो। अरे पागल है, ले जाओ। देखिए सर, सामने से टक्कर मार दी इसने। ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालूंगा सर, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ बोल, क्या करेगा, क्या करेगा, बोल बोल क्या करेगा। ये तेरी 15 साल पुरानी खटारा है ना, पता है इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। तेरे पास आरसी बुक है क्या? तेरे खिलाफ कंप्लेंट करूं क्या? करूं क्या? उठा अपनी खटारा। नहीं नहीं नहीं, मैं जाता हूं। निकल यहां से। अरे कैसा आदमी है। ए, गोर क्या रहा है, जल्दी से अपनी खटारा हटा। स-
साथ में परिवार था इसीलिए आज बच गया, वरना सीधे जान से जाता आज वो। ए, चाबी दो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। हाँ, ये लीजिए, मुझे दीजिए सर। बेटा, हाँ? इतनी बड़ी डील करने जा रहा है, किसी को तो अपने साथ लेता जा। मैं अभी बच्चा हूँ क्या? बात बात पर टोका मत करो, मैं अभी निकलता हूँ। बेटा, हाँ, हाँ, बेटा। अरे, अब क्या हुआ? पहुँच कर एक बार फोन कर देना। ठीक है। यस मिस्टर घोरपड़े, अभी निकला हूँ, कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। पेपर्स रेडी रखिएगा, पैसों के बारे में चिंता मत कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कारण ये होटल मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। पेपर ले लो, ढाई ढाई रुपए में पेपर। आज की ताजा खबर पढ़ लो, पेपर पेपर ले लो। बेवकूफ कहीं के। हे भगवान, इरिटेटिंग लोग। ए, उस केबल के पैसे का क्या हुआ? अरे वो सेठ बहुत बहादाव कर रहा है, और उसको अपन ऐसे नहीं छोड़ेगा। ए जाना, ऐसा नहीं दिया तो कनेक्शन काट देना। निकल, ठीक है भाई। ए साइड में खड़े रहो। अरे सुना है वो पप्पू भाई ने अपन को मारने के लिए छोकरा लगाया? बराबर भाई, मिलेगा तो काट डालेगा उसको। अपन को वो जानता नहीं है, समझा क्या? ए कौन है रे वो, ऐसे कैसे हाथ लगाया वो? एक चाय देना। देखते भाई, एमएलए ने बुलाया अपन को, जास्ती दारू पी के दंगा नहीं करने का, समझा क्या? ठीक है भाई, होश में रहने का, इलेक्शन आने वाला है। अरे वो लोग बच्चे है, टेंशन लेने का नहीं। वो सेठ के पास तुम दोनों को जाने का है, तू ना शेखर अन्ना के पास जाना, पैसे नहीं दिया तो फोन कर, अपन बाहर ही खड़ा है। ठीक है, चल गाड़ी निकाल। हाँ चलो, चलो देखते आज। हाँ चलो, चल चल जल्दी कर। हाँ चलो भाई चलो। अरे यार बाइक किसकी है? आने दे आने दे। अबे क्या कर रहा है, ठोक दिया तूने तो। ए तेरी गाड़ी है क्या, चुपचाप खड़े रह। इतनी तो मेरी गाड़ी को ठोक के ऐसे ही निकल रहा है, नीचे उतर। ए खजूर, गाड़ी के साथ तुझे भी ठोक दूं क्या? क्या रे, अब उनको धमका रहा है क्या? बहुत बड़ा शाना है। अबे ओ जगी जान, अपुन ने ठोकी तेरी गाड़ी, क्या कर लेगा बे? ए अपने थोपड़े का ख्याल कर, फोड़ के रख देगा। ए ब्रांडेड गोगल पहना है भाई। काफी महंगा चश्मा लग रहा है, किसको चाहिए रे? ये ले पहन के मजा कर। ए तेरे पास और क्या रे चिकने? ए मोबाइल है, महंगा वाला लगता है, किसको चाहिए रे? तेरे को, ये ले जा ऐश कर। क्यों रे, बहुत होशियारी झाड़ रहा था, निकल गई सारी हवा। चल फुट रहे, निकल यहाँ से। अब तो तू गया। कमीने, एकदम पागल है, मार डालेगा, गन लेकर घूम रहा है, चलो भागो। चल चल चल, निकल निकल यहां से। Hey!
चल भाग भाग भाग। ए, ए, तो उधर। पीछे पड़ गया यार। अरे बाप रे, यहाँ तो रास्ता बंद है। मुझसे जो भिड़ेगा उसका यही हाल होगा। शक्ति से मिलता है गुस्सा, विद्या से अहंकार, अनुभव से मिलता है धैर्य। ये हमारा नहीं, मानव जाति का नियम है। और इसकी सीमा आंकते हैं समय, परिस्थिति, कष्ट। ये समय का नहीं, काल का नियम है। चलो यहीं उतर जाओ, यहीं ड्यूटी है अपनी। ए, चल, ए, चल, चल गाड़ी हटा दे, यहीं डंडा लगाऊं तुझे। हाँ?
ए, सुनो भाई। जी सर। बोलो। इस गाड़ी की बॉडी में देवी आ गई है क्या? हाँ? मैं जाकर देख के आया। तुम्हारी उम्र अब ये सब जोखिम लेने की नहीं रही है। चलो बहन, हम चलकर देखते हैं मामला क्या है। अरे ये खुले हम बताता हूँ। अरे साहब, जाने दो ना साहब। चाहिए रोमियो और जूलियट दोनों गलत जगह फंस गए आज। चलकर सीधे हमारे साहब से बात कर। वो ऐसे वैसे साहब नहीं है, मिलेगा ना तब पता चलेगा। ये हमारे साहब की जीप रिवर्स गियर में क्यों आ रही है? सर 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 क्या हुआ? आपने मेरी टोपी पहन ली है सर। सब उल्टा करता है। पुलिस स्टेशन से यहाँ तक रिवर्स गियर में लेकर आ गया। फर्स्ट गियर में नहीं ला सकता था, नॉनसेंस। चल सिगरेट दे। अभी देता हूँ सर। जल्दी अब इसको पकड़। मैं उठा देता हूँ सर। थैंक यू। क्या सर, सिगरेट नीचे गिरा दी, माचिस मुंह में रख दिया। लीजिए सर। सिंघम हूं मैं, शक्कर से भी मीठा और मिर्ची से भी तीखा। सर सर सर, मेरी बात तो सुनिए सर। वो बंद रख अपना, शट अप, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुझे ऐसी जगह लात मारूंगा कि जनरल वार्ड में नहीं आईसीयू में जाकर गिरेगा। शांत रह, इधर आ स्टूपिड फेलो। एसपी ऑफिस से फोन आया था कि बच्चों को किडनैप करके बेच रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े टाइम पास कर रहे हो। व्हाट इज हिज प्रॉब्लम? सर, रोड के साइड में कार लगाकर पब्लिक प्लेस पे कार के अंदर हरकतें कर रहा था। हाँ, तेरी पैंट खुल नहीं रही थी तो फाड़ दी सर। दांत दिखाता है, तेरी सारी बत्तीसी तोड़ दूंगा मैं। लोफर फेलो, कहीं का शर्ट लपेट कर घूम रहा है बेवकूफ। कहीं का इतनी छोटी सी गाड़ी में तू आखिर इंजॉय कैसे कर लेता है? लोफर कहीं का, तेरी इतनी हिम्मत कि तू पब्लिक प्लेस में इंजॉय कर रहा है तेरी। अरे सर, रुको सर, रुको सर, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नो नो नो, डोंट स्टॉप मी, डोंट स्टॉप मी। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। पूरी दुनिया हमारे देश की तारीफ करने में तालियां बजा रही है और तुम दोनों कार में घुसकर चपातियां बना रहे हो। एक तरफ हमारे देश में बच्चे बच्चियां तरक्की में लगे हैं और दूसरी तरफ तुम जैसे लोफर लुच्चे लफंगे मौका मिलते ही रोटियां सेकने लगते हो। और तुम जैसी लड़कियों की वजह से देश के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। और तुझ जैसे सांड को मैं छोड़ूंगा नहीं, बॉल की तरह उछाल उछाल कर मारूंगा। इधर आ, ले चलो इसे, ले चलो पुलिस स्टेशन, इसे मारते हुए ले जाओ, इसको जेल में सड़ाऊंगा। अब जल्दी जाकर 1 लीटर तेल लेकर आओ और लाल मिर्ची का पाउडर ले आओ। इनकी हलक में मिर्ची वाला डंडा डालूंगा। ले जाओ। सिंघम नाम है मेरा, शक्कर से भी ज्यादा मीठा और मिर्ची से भी तीखा। मुझसे होशियारी, पब्लिक प्लेस में स्कैंडल, मार डालूंगा मैं ऐसे लोगों को। हाँ। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं पर आप में अभी तक वैसा ही धीरज है। पार्वती, आज जो मैं सफल हूँ ना, उसका कारण मेरी अर्धांगनी यानी कि तुम हो। और मैंने इतने साल तक जो धीरज रखा उसी के कारण ऊपर वाले ने एक चाय की दुकान से इतने बड़े होटल का मालिक बना दिया। अगर हर कोई आप जैसा बन जाए तो इस देश का तो उद्धार ही हो जाएगा। धीरज रखना थोड़ा कड़वा जरूर है पर उसका जो फल होता है वो मीठा होता है। सही कहा, ये बात तो सच है। तब मैंने उससे कहा,
थक गए क्या? हाँ थक तो गया हूँ। गाड़ी साइड में करके आराम कर लीजिए। ठीक है, अब 10 मिनट आराम कर लीजिए। पानी पिएंगे क्या? हाँ। इंसान की उम्र के साथ साथ उसका अनुभव भी बढ़ता है, पर बढ़ती उम्र के साथ भूलने वाला इंसान अपने अनुभवों को कैसे याद रखेगा? थक गए हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत आभूषण है इंसान के चेहरे की हंसी, इसीलिए इंसान को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। भगवान करे आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू। लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूं जी। आपको संतान नहीं दे पाई इस बात का बहुत दुख है। आप बिना किसके लिए इतना कमा रहे हैं? समाज के लिए। हमारे कमाने से, खर्च करने से ही तो समाज आगे बढ़ता है। जब हमें मदद की जरूरत थी तब इसी समाज ने हमें बच्चे के जैसा संभाला। माना कि हम बड़े हो गए हैं और हमारी कोई संतान भी नहीं है, लेकिन ये समाज है ना हमारी संतान की तरह। तो चले, बातों में आपसे कोई जीत नहीं सकता। चलिए। स्टॉप। हाँ बोलिए सर। डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। दिखाता हूँ। मैं निकालती। रहने दीजिए, आप जाइए। अच्छा। ए, सुनो उस गाड़ी को रोको। हेलो सर। टेक केयर। उस पुलिस वाले को आप जानते थे? नहीं जानता। तो हाथ क्यों दिखा रहे थे? बस हमारा परिचय दे रहा था। किसी को जानने के लिए बात करने की जरूरत नहीं, बस एक मुस्कान ही काफी है। आप कमाल के हैं मिस्टर नटराज। कौन मुझे फालतू में कॉल कर रहा है? सर। हेलो। शक्कर से भी ज्यादा मीठा, मिर्ची से भी ज्यादा तीखा। इंस्पेक्टर सिंघम स्पीकिंग। माइंड इट। सर ऊपर से कॉल आ रहा है। क्या ऊपर से? मेरे लिए? हाँ सर। उस पागल आदमी को बोलो मैं सिंघम हूँ। मैंने बोला सर। होम मिनिस्टर की भी नहीं सुनूंगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर, आपका नाम लिया फिर भी चिल्ला रहे हैं, बीवी बच्चों को गाली दे रहे हैं सर। अब बताइए मैं क्या करूँ? वो मुझे समझता क्या है? सर, बता दो उसको। बोल रहे हैं कि सीएम के पास जाएंगे। सीएम के पास जाने की धमकी देता है तो जाने दो, मैं सीएम की भी नहीं सुनूंगा। ठीक है सर, उन्हें समझा कर कॉल करता हूँ सर। मेरा इंट्रोडक्शन, फ्लैशबैक सब कुछ सुना देना उसको। मैंने सुनाया उसको, फिर से सुनाता हूँ। मेरे सामने होशियारी करता है, दौड़ा कर मारूंगा उसको। हाँ गली में दौड़ा कर एनकाउंटर कर दूंगा। एनकाउंटर उसको बोलो, ज्यादा उड़े मत वरना छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हाँ क्या रे सर? एक मिनट लाइन पर रहना। हाँ सर। मैं अभी बात करता हूँ। लाइसेंस नहीं है सर। लाइसेंस नहीं है? हाँ तो 1500 रुपया फाइन भर। चल सर, अगर आप मान गए तो आप देखिए ना, मगर करता है मगरमच्छ बना कर छोड़ दूंगा। ठीक है, चला इधर 1000 रुपए। ठीक है सर, ठीक है। इन दिन नालायक लोग भी गाड़ी चलाने लगे हैं। अगर मगर मत कर, जाकर बॉस से पूछ, लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी चलाने के लिए क्यों देता है? चालान तो कटेगा ही। क्या है सर, मैं उसे घर जाने दूं क्या? नहीं, मत छोड़ना। मैं अभी वहाँ आता हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ, समझ गए? ठीक है सर, आपके लिए रुकता हूं। ये ले रसीद। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। नो, कुछ भी हो जाए उसको छोड़ना मत, समझ गए? जी सर। ठीक है, मैं आता हूँ। यस सर। कट कर। ठीक है सर। नालायक, इन लोगों को क्या लगता है कि मैं दिमाग से पैदल हूँ? मेरी आंखें देखो, मेरी हाइट देखो, मेरी ड्रेस देखो, मेरी मूंछें देखो, मुझे देखकर लोग थर थर कांपते हैं। Thank you.
लगता है कोई पागल है एक गिलास दूध के लिए सोना दे रहा है। जब तक दूध पी रहा है दो चार और उठा लेता हूँ। इसके पास कितना सोना है, कितना सोना है, अब ये सोना मेरा है। एक बियर देना। नंबर लिखो, नंबर लिखो। अभी अभी एक गाड़ी नाकाबंदी तोड़कर निकली है सर। ओवर एंड आउट यस। क्या है माँ, बोलो। बेटा कहाँ पहुँचे बेटा, तुमने लंच किया? तो आपको क्या लगा मैं भूखा रहूंगा? बार बार फोन मत करिए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ माँ। हाँ पर गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना, आराम से चलाना बेटा। अभी फोन रखो माँ। रुक जाओ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। क्या कहाँ पर रखा है? सर पीछे बच्चे बैठे हैं। ये नहीं है, पागल गई। ए इंस्पेक्टर, क्या है? हाँ क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। चलिए सर देखते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है। इन बच्चों को देखिए सर। कांच नीचे करो, कांच नीचे करो, चलो जल्दी करो। देखिए सर कुछ गड़बड़ लगती है। सिंघम हूँ मैं, इंस्पेक्टर सिंघम, शक्कर से भी मीठा और मिर्ची से भी तीखा। कुंदन राम, बर्फ के जैसा ठंडा, आग के जैसा गर्म। सीता, जंगल में दौड़ने वाला चीता। राम सीता, राम सीता। लावण्या कसुम। निकालो डॉक्यूमेंट। पकड़िए। मुझे दो सर। आरसी, पीयूसी टेस्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एफसी और डीएलएन इंश्योरेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटो। और कुछ चाहिए क्या? ये बच्चे किसके हैं? मेरे पति के बच्चे हैं। पक्का तुम्हारे बच्चे हैं? मेरी बीवी ने उन्हें जन्म दिया तो मेरे ही बच्चे होंगे ना, पड़ोसियों के नहीं। ठीक है। मुझे तो ये भी हमारे साहब के जैसा हटेला लगता है। क्यों बच्चों? कौन है ये औरत? हमारे पापा की बीवी। ये कौन है? हमारी माँ के पति। समझ में आया? अजीबो गरीब फैमिली। सब कुछ देख लिया ना आपने? तो आप कुछ नहीं है ना, साइड दीजिए मुझे जाना है। हेलो, इस शहर में बच्चों की तस्करी चल रही है, मुझे चेक करना है। क्या कहा? मैं तुम्हें बच्चों की तस्करी करने वाला लगता हूँ क्या? तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये दोनों के दोनों बच्चे मेरे हैं। मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है तू? कोई दबंग है, कोई गुंडा है या कहीं का एमपी एमएलए है? तू रोते हुए पैदा हुआ था, कराटे करते हुए पैदा हुआ था, कैसे पैदा हुआ था बता। मैं जितना सवाल करता हूँ सिर्फ उसका जवाब दे, फालतू बात मत कर इडियट। इस पागल के साथ शादी की है तुमने? नॉनसेंस। आप तो देख ही रहे हैं सर। अंकल, अंकल, ये हमारे मम्मी पापा हैं। पता चल गया ना आपको? डॉक्यूमेंट्स वापस दो मेरे। ये सब क्या है? बच्चे मजाक करते हैं, बीबी नैन में टक्का करती है और तू मुझे आंखें दिखा रहा है, गुस्सा कर रहा है तू? ठीक है चल निकल। डॉक्यूमेंट्स तो मेरे कागज।
निकल गाड़ी, चल चल, जाने दे जाने दे। दीदी अंकल की मुझे बिलाव जैसी है। सर सर, अब ये फिर से शुरू होने वाले हैं क्यों रे? बात करेगी तू? उस पुलिस वाले से नैन मटक्का कर रही थी है? बगल में पति बैठा है, उस पर नजर नहीं है तुझे? मुझसे बिल्कुल डर रही है, है? तू तो हद से आगे निकल गई है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार मार के भट्टा बना दूंगा तेरा, अभी देख। समझी ना? पापा क्या है, बोलो क्या है? सुसु पापा, सुसु। चलो जाओ जाओ, तुम भी चलो ना दीदी, तुम्हें भी जाना है ना, चलो जाओ। आ जाओ चलो। हाँ माँ चलो। पापा हर बात पर इतना क्यों चिल्लाते हैं? सब आ गया ना? आप गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। टैंक फुल कर देना। थैंक यू बेटा, कीप द चेंज। पसीना आ रहा है, एसी बढ़ा देता हूं। एकदम पूनम के चांद की जैसी लग रही है। बच्चे सो रहे हैं, एक पप्पी ले लेता हूं। ड्रामा किंग, इसका दिमाग तो ठिकाने पर है, बच्चों के सामने छिछोरी हरकत कर रहा है। ठीक से बैठो नहीं तो गर्दन में मोच आ जाएगी। विचित्र प्राणी है ये। अरे बाप रे,
क्या हुआ, रुक क्यों गए? कैसा आदमी है वो, पूरी सड़क खाली है फिर भी देखो कैसे आड़ी टेढ़ी गाड़ी चला रहा था। आप गाड़ी संभाल कर चलाइए। भगवान बचाए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, थैंक गॉड। रिलैक्स हो जाइए। अब ठीक है तो चले फिर। भगवान रक्षा करना। पार्वती उस गाड़ी को देखो, हमारे आगे ही है। आप धीरे ही चलाइए। हाँ, हाँ, ओवरटेक मत करना। हाँ। इसकी तकलीफ क्या है, ऐसे क्यों चला रहा है? कितना कितना केयरलेस है ये, कहीं इसका एक्सीडेंट हो गया तो। इडियट। सुनी आप जरा ओवरटेक तो कीजिए। हाँ, करता हूँ। इसकी जरा कल ठिकाने लगाती हूँ, बेवकूफ। एए, दिमाग नहीं है क्या? कितना डरावना आदमी था वो देवा। हाँ? क्या हुआ? बिल्कुल राक्षस जैसा चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें। हे भगवान, कोई जंगली होगा। चला 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 चला। आज का दिन ही खराब है। पंक्चर हो गया क्या? हाँ, टायर चेंज करना पड़ेगा। मैं स्टेपनी निकालता हूँ, तुम कार में ही बैठी रहो। हाँ? आप अकेले थक जाएंगे, मैं मदद करती हूँ। चलिए। कौन सा, बस यही ना? लगता है कोई कील घुस गई। अरे रे, आराम से आराम से। देखा, इतना भारी टायर आप अकेले कैसे उठाते। आराम से आराम से। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ भी भारी नहीं लगता। मीठी बातें मत कीजिए, बातें करना कोई आपसे ही सीखे। वही ट्रक है ना रास्ता रोकने वाला? हाँ हाँ वही है। चोला। हे भगवान, गया ना? गया गया। जाने दीजिए, किस्मत। पानी चाहिए? नहीं माँ। जब हम बीच पर जाएंगे ना, तब तुम दोनों पिंक ड्रेस पहनना, ठीक है? ठीक है माँ। मैं क्या पहनूं? माँ आप ना चूड़ीदार पहनना। ठीक है माँ। माँ मैं व्हाइट स्कर्ट पहनूंगी। वैसे पापा क्या पहनेंगे? पापा तो चड्डी पहनेंगे। क्या खुसुर फुसुर चल रही तुम्हारी? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जाओ पीछे जाकर बैठो। बगल में बैठ के बकवास बातें कर रही हो। जाओ पीछे बैठो, जाओ जाओ ना।
दिमाग में कीड़े पड़े थे जो इससे शादी कर ली। हमेशा कुत्ते के जैसे भौंकता रहता है। दरवाजा खुल नहीं रहा है। रुको, अनलॉक करने दो। फूटी किस्मत। आवाज नहीं चाहिए मुझे। ड्राइविंग के टाइम पे बकवास करती रहती है। माँ, मैंगलोर पहुँचने तक हमारे साथ बैठोगी ना? हाँ माँ, पीछे ही बैठो। पापा को मत बताना। दिखाओ चूड़ी कैसी लगी। अच्छी है माँ। फिर से शुरू हो गई। अच्छी है ना माँ? मेरे लिए? मुझे दो लेनी चाहिए थी ना। आपके पास बहुत सारी है माँ, मैंगलोर से भी लेंगे। माँ और बेटी पीछे बैठकर बातें कर रहे हैं और मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ। ए, आ गया तुम सब ने मुझे ड्राइवर समझा है क्या? मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। तुम लोग पीछे बकवास करोगे और मैं गाड़ी चलाऊंगा। बाहर निकल के आओ, यहाँ बाजू में बैठो। पति है या बैंगन? ये बैंगन नहीं, ये तो है बेअक्ल जानवर। मैंने इससे शादी क्या कर ली? तीनों मिलकर मुझे मामू बना रहे। देखो क्या चार, तू चोर मैं राजा। एक दो तीन चार, तू चोर मैं राजा। चला 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 या 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 अगलों के जैसे गाड़ी चला रहा है। छोड़िए ना। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं। ए, गाड़ी रोक। ए, बदमाश आदमी, गाड़ी रोक। तुझे गाड़ी चलाने का लाइसेंस किसने दिया? अरे कह रहा रुक जा, रुक जा। अरे रोक। ए, मेरे हाथ लग गए ना तो जानवर की मौत दूंगा। रुक जा, मेरी गाड़ी को टक्कर मारकर भाग रहा है। ए, रुक जा बदमाश कहीं का। ए, रोक रोक रोक, भाग रहा है। चल चल चला। आगे मिलेगा तो अच्छा सबक सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं।
पार्टी से भी अभी होना था। गाड़ी पंचर हो गई है। पंचर? पंचर हो गई? देखता हूँ। गाड़ी में बैठकर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अकेले काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि नीचे आओ, जैक लगाने में मदद करो। अरे फूटी किस्मत आई। हाँ जी। बच्चे कहाँ हैं? वो दोनों अंदर ही हैं। बुलाओ उन्हें। बुलाती हूँ। जल्दी नीचे आओ। चल माँ किसलिए? आओ। हाँ। जल्दी उतरो। चलो। पापा ऐसे क्यों हैं? बैठ जाओ। ठीक है पापा। हाँ। ये तो एक नंबर का सनकी है। सन की आदमी है ये। दीदी जाने दे, चुप बैठ जा। कौन है ये? चल चल चला। चल माँ के पास चलते हैं। माँ कौन है? कौन है बे तू? चल चल चला। कहीं जाकर चूल्हा जला। अरे मत जाइए। चुप करो। शक्ल से वो राक्षस दिख रहा है। दीदी हाँ, अपने पापा तो हिम्मत वाले हैं ना। अभी कुछ मत कह। पक्का हो गया, तुम इंसान हो ही नहीं सकते। ए चल पिछाड़। सुनो, तुम लोग गाड़ी के अंदर बैठो। हे भगवान, आप भी आइए ना जी। कहा रहे, अंदर जाओ। हाँ चलो। माँ आप भी अंदर चलो। माँ चलो। अरे पहले तुम तो बैठो। बैठो। हाँ माँ। ए, ए, ए। अरे छोड़ छोड़ छोड़। मुझे डर लग रहा है माँ। पापा। माँ नहीं माँ, आप नहीं माँ, चाहिए माँ, चाहिए माँ। सुनिए।
अरे जाने दे मुझे, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, छोड़ दे मुझे। अरे बाबा, नहीं नहीं नहीं, ए सुनो, शायद इसे पैसे चाहिए सेवर के लिए, हमें मार न दे, सब निकाल के दे देती हूँ। पापा, अरे बाप रे, भागो, अंदर आ जाइए, जल्दी आइए, बैठ जाइए जल्दी। उसने मुझे मारा, जानवरों के जैसे मारा, पटक पटक के मारा मुझे, इतना तो कोई गधे को भी नहीं मारता। सुनो मेरी माँ, दीदी, सुनिए गाड़ी स्टार्ट कीजिए ना, चलिए यहाँ से निकलते हैं। चाबी, चाबी। क्या? अरे बाप रे, चाबी तो बाहर ही छोड़ दी। अरे हे भगवान, सुनिए, अरे गाड़ी स्टार्ट कर बे। पापा गाड़ी, अरे सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर दो, ये सब तेरी वजह से हुआ है, चलती क्यों नहीं, निकाल यहाँ से। चाबी वहाँ पर पड़ी है। दीदी, इसका शो ऑफ तो देखो, कुछ नहीं होगा इसका, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, जाकर चाबी लेकर आओ। बाहर जाऊंगा तो वो मुझे मारेगा। हे भगवान, मैं ही जाकर लाती हूँ। माँ, मैं जाता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? नीचे आओ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? हाँ, गाड़ी में बच्चे बैठे और तुम ये सब यहाँ कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो तुम, बोलो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ये सब कर रहे हो? हाँ, तुम ग्लास चढ़ा लो। सारे जेवर ले लीजिए, जिंदगी रही तो और बना लेंगे। इस पागल के मुंह पर दे मारो, फेंक दो इसे, फेंको जी, फेंको ना। ये लो, ये सोना है। अरे अरे, सोने को पत्थर की तरह फेंक रहा है। अरे तो इसे क्या चाहिए? ए, तुझे क्या चाहिए? हाँ, बोलना। दीदी, वो तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इधर ही आ रहा है। जाकर पूछो उसे क्या चाहिए। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, पूछते हो कि और एक मारूं? कैसे पूछूं, वो तो लगातार कूदता ही जा रहा है, यहाँ से निकलूंगा तो मार देगा, तुम्हें उसका हथियार नहीं दिखाई दे रहा? शक्कर से देखो, मैं ही जाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, सुनो, तुम मेरी इकलौती बीवी हो। कौन हो तुम?
दम है तो इधर आओ, आओ इधर। अरे तुम मत जाओ, बैठ जाओ गाड़ी के अंदर। अरे बैठ जाओ, अरे गाड़ी में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ गाड़ी में आ जाओ। चल चल झोला। अब चलाओ, चलाओ चलाओ चलाओ, जल्दी करो, स्टार्ट करो, जल्दी करो, स्टार्ट करो। उसने गाड़ी पकड़ रखी है। अरे भगवान, अरे भगवान, छोड़ना गाड़ी। चल चल चला। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ हाँ, तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ। वो तो घर पर है सर। घर पर है? इंश्योरेंस? वो भी घर पर है। गाड़ी? गाड़ी भी घर पर है सर। नालायक कहीं का मुझसे मजाक करता है, पागल समझ के रखा है क्या मुझे? छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी बात तो सुनो। अरे सर क्या कर रहा है? मैं फ्री बैठा हूँ, मेरे साथ मजाक करने आ गया तू? मजाक कर रहा है मेरे साथ, नालायक। अरे सर मैं बोलूंगा तुझे, रुक जा। रुको, अरे बाप रे, वो साहब देखो क्या कर रहे हैं। साहब, साहब सर मेरी बात तो सुनो सर। साहब, अरे साहब रुक जाइए। साहब वो होटल वाला है, चाय का पैसा मांगने आया था, वो चाय लेके आया था। चाय लेकर आया था? हाँ साहब। अरे भाई, अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? पैसे मांगने। मेरे पास आओ, चलो मैं पैसा देता हूँ। चलो देख लूंगा। अरे ओए, क्या घूर रहा है रे? अरे चलो चलो चलो, अच्छा हुआ मैंने इस पर हाथ नहीं उठाया। ओ गॉड, रुको रुको, रुक जाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। सर सर, टोटल हुआ आपको है, वो इन्फॉर्मेशन मिली थी ना? हाँ। ये वो ही गाड़ी है। ले आओ, इधर ले आओ। चलो गाड़ी से उतर के बात करो। हेलो, सारे पेपर्स तो करेक्ट है ना? हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आ जाओ। तेरे चला रे। हेलो, कहाँ से चुराई है ये गाड़ी? हेलो एक्सक्यूज मी, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये कार मेरी ही है। ओए, आवाज नीचे। अगर मैंने अपना रूप दिखाया तो इतना पीटूंगा कि इडली कहाँ है, डोसा कहाँ है, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या खाऊं। पुलिस वाले को होशियारी दिखाता है। ओए, अगर पुलिस वाला गाड़ी रोकता है तो बिना कोई होशियारी के गाड़ी रोक देनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स तो सारे प्रॉपर है सर। प्रॉपर है तो मैं क्या करूँ? सॉरी सर, मुझे अर्जेंट काम है। अर्जेंट काम है तो थाने में करो। पुलिस ने सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया, पुलिस की इंक्वायरी में इंटरफेयर करने के लिए तुम्हें 1500 रुपए की फाइन भरनी पड़ेगी, वो भी कैश में। ए, चलान काटो, ले जाओ। ए, चलो चलो, लेकर जाओ। या मारना भी है? बिना मतलब का मारेंगे तो हमारी वाट लग जाएगी। सिर्फ फाइन ले लो, छोड़ दो।
मिस्टर विक्रम। हेलो, घोर पड़े सर। ड्राइव कर रहे हो? सारे पेपर्स अप टू डेट है, आपको आके बस साइन करना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, हम डील क्लोज कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पागल आदमी है, जंगली लोगों की तरह गाड़ी चला रहा है। चल चल चला। ए, पागल कहीं के, अभी दिखाता हूं। चल चल चला। बेवकूफ कहीं का इडियट। ए, रुक। ए, रुक, हाथ से बच के निकल गया। अगर मेरे हाथ में आता तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ता। कमीना कहीं का। का दिन ही मनहूस है। रुक जा, कहाँ जा रहे?
चल चल चला। ए, रुक रुक ना, कहाँ भाग रहा है? ए! ए! इसे भी अभी पंचर होना था। तू मेरे गुस्से को नहीं जानता है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी गाड़ी को ठोकाना तूने, तब लगा गलती से ठोका होगा। उसके बाद तूने मुझ पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। तुझे जाने दिया तो तू दोबारा ऐसा ही करेगा, पर मेरी जिंदगी मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। चल चल चला। लगता है कोई पागल है, ऐसे नहीं मानेगा।
कहाँ छुप के बैठा है? बाहर आ जा डरपोक! बंदूक देख के फट गई? अगर दम है तो अभी सामने आ! नामर्द कहीं का छिप कर बैठा है। मैं डरता नहीं, डराता हूं। हिम्मत है तो सामने आ, समझा? ठोक दूंगा तुझे। मेरी गाड़ी के पीछे छिप के बैठा है क्या? कहाँ चला गया? हवा में गायब हो गया क्या? छोड़ूंगा नहीं, राक्षस कहीं का। आ, तुझे कुचल दूंगा। आज तो तू गया। You are finished. यही पड़ा रहे। रुक जाओ।
इतने ऊपर से गिरने के बाद भी तू जिंदा बच गया। तू जैसे हैवान को मर जाना चाहिए, राक्षस कहीं का। अभी नहीं, बस वो राक्षस मुझसे पंगा लेने चला था, अब वो मुझे जिंदगी भर याद रखेगा। बच गया। उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? तुझे जान से मारे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। हुआ कि हाँ, नहीं हो रहा है। तुम अंदर बैठो, मैं बस नट टाइट करके आता हूं। जल्दी कीजिए। अरे तुम अंदर जाओ। कौन हो तुम? अरे कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे समझेंगे हम? हाँ छोड़िए ना जी, बात मत कीजिए उससे। कुछ बोलता ही नहीं है। सर जी क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे, ओ, 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 ए भगवान,
इडियट, तूने हाथ कैसे उठाया इन पर? पार्वती, अरे तुम उसे क्यों मार रहे हो? पार्वती तुम ठीक हो? उठो उठो, अब अंदर चलिए। चलो चलो चलो, लगता है ये आदमी पागल है, तुम अंदर बैठो। चलो अंदर बैठो, अंदर चलिए। आ जाओ, पागल लगता है, आप अंदर चलिए। बैठो, हम यहाँ से निकलते हैं। अरे क्या कर रहा है? अरे चलिए। अरे हे भगवान, अरे क्या हो रहा है ये? क्या हुआ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो हमें? कम से कम हमारी उम्र का तो ख्याल करो। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ हमें, बोलो। पार्वती, मुझे लगता है इसे कुछ पैसों की जरूरत है। लाओ लाओ, उसे कुछ दे देते हैं। हाँ दो ये। हाँ। दे दीजिए उसे। हाँ ये लो बेटा। अरे शांत हो जाओ, इसने पैसे फेंक दिए, क्या चाहिए इसे? गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। मैं उससे आराम से बात करता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। पार्वती मैं यहाँ पर हूँ तो तुम किस बात से डर रही हो? अब पुलिस को फोन कीजिए, पुलिस को फोन कीजिए। हाँ, मदद मांगिए। क्या हुआ जी? कोई फोन नहीं उठा रहा है। क्या हो रहा है, ये कैसे बेवकूफ है ये? तुम डरो मत, मैं हूं ना। सुनिए सुनिए। हाँ, अंधेरा हो गया है। हाँ, वो राक्षस निकल गया होगा। मैं हेडलाइट ऑन करता हूँ। शांत हो जाइए। पार्वती, शांत। पार्वती तुम ठीक हो ना? कौन है ये इंसान ही है ना? मेरे पास आओ। सुनिए जी, आप गाड़ी से बाहर मत उतरिए। हम पूरी जिंदगी यहाँ नहीं रह सकते ना। हाँ? तुम शांत रहो, मैं संभाल लूंगा। अरे रे। तुम अंदर ही रहना, मैं उसे देखता हूँ, मैं संभाल लूंगा। क्या हो रहा है? तुम चिंता मत करो। अरे रे, अंदर बैठिए। अरे पता नहीं वो क्या करेगा, अंदर ही रहिए। अरे भगवान। पार्वती तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अपने चेहरे को ढक लो, ढक लो अपने चेहरे को।
अरे यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया ये। चल चल चला। मुझे ऐसे धीरे धीरे मारने से अच्छा है कि एक बार तुम जोर से मारो मुझे। मेरी उम्र हो गई है, तुम्हारे एक ही गुस्से में मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे ये तो नहीं पता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बिना कारण तुम मुझे मार रहे हो। मैं तो बस शांति से तुम्हारे घूसे खा सकता हूँ। तुम अच्छे हो या बुरे हो मुझे नहीं पता, पर मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताऊं, इंसान के सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक सच का रास्ता और दूसरा झूठ का। झूठ का रास्ता देखने में बहुत खूबसूरत होता है और सच का रास्ता एकदम साधारण। हम कोई भी रास्ता चुने पर हमेशा अपनी मंजिल पर सबसे पहले सच के रास्ते पर चलने से ही पहुंचते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी सच का रास्ता नहीं छोड़ा, और जहां तक याद है मैंने अपने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। फिर भी तुम मुझे मार रहे हो, इसमें नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ। भगवान तुम्हारा भला करे, हमेशा खुश रहना। कुछ नहीं हुआ पार्वती, सब ठीक है। चलिए पार्वती। देवा, हे भगवान, हे भगवान। जल्दी जल्दी जल्दी। चिंता मत करो, हमें तो भगवान ने ही बचाया आज। हाँ। अरे अरे आपको तो चोट लगी है। मुझे कुछ नहीं हुआ है पार्वती। कितना बुरा वक्त है। अब सब ठीक है, शांत हो जाओ। सुनिए, वो हमारे पीछे है। हाँ, हाँ। जल्दी चलाइए जी। जल्दी। अरे सुरेश, क्या कर रहा है? थोड़ा जल्दी करना, लेट हो रहा है मुझे।
पत्थर संभल कर, पत्थर है। चल चल चुला। काल की परीक्षा में अहंकार जल जाता है, धैर्य जीत जाता है और शक्ति हार जाती है। सर, ए हटो हटो, ए चलो हटो सर, चलो हटो हटो। वहां देखिए सर, कार वहां से आई और खाई में गिर गई। रास्ता खराब तो सर्कल के पास है ना, फिर ये गाड़ी यहाँ पर कैसे गिर गई? ए जाकर कार चेक करो और तुम बॉडी चेक करो। जी सर। हाँ, बॉडी की चारों तरफ से फोटो ले लो। ओहो, शराबी था, पी के गाड़ी चला रहा था। सर, रिपोर्ट में क्या लिखूं? मुझसे क्या पूछ रहे हो, दिखाई नहीं देता है क्या? मैं जैसा कहता हूँ वैसा लिखो। जी सर। पैसा, जवानी, घमंड, इसका नशा इसके दिमाग में भरा हुआ था। संसार के नियम को तोड़कर कार को फुल स्पीड में चलाकर नशे की हालत में ब्रिज पर आ गया और फिर कार समेत पानी में गिर गया। लापरवाही से दुनिया की दौड़ में भागने वाला दुनिया छोड़कर चला गया। दुनिया पास में रखी हुई छुरी उठाई और अपनी ही गर्दन में घुसा ली। इस तरह इसने आत्महत्या की है, ऐसी रिपोर्ट बनाओ। जानकारी मिलते ही मृतक के शरीर को पास के ही सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ऐसा लिख दो। सर, जरा यहाँ आप साइन कर दीजिए। ऊपर लो। ये मैंने 40 करोड़ के चेक और डीडी लाए हैं। ठीक है सर, एक बार ये चेक कीजिए। हमें गलत ना समझिए, लेकिन हमें ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा था, इसलिए हमने नीलामी की बात की। भगवान के दिए जीवन में हमारे पाप और पुण्य सारे कर्ज यहीं चुकाने हैं, और ऐसा करने के लिए सब्र की जरूरत है। तो चले, चलिए, हम लोग चलते हैं। सर बस एक मिनट। हाँ। मॉरिशस होटल ग्रुप के एमडी मिस्टर विक्रम आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपके होटल को खरीदना चाहते हैं। बुला लो। थैंक यू सर, जाओ उनको फोन कर दो। ठीक है। ओके सर। हेलो, क्या मैं विक्रम सर से बात कर सकता हूँ? क्या कहा, कब हुआ, कहाँ पर?